नमस्ते बच्चों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, हमारा स्ट्रेटेजी फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स। मतलब कि हम लोग फिजिक्स में क्लास ट्वेल्थ में किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, सभी एक ही बात बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको अगर सही स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ा जाए तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। और 60-65 अबव मार्क्स स्कोर करना 70 में बहुत आसान है। तो चलिए इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं, और जो हमें पढ़ाई करना है, ये जो पूरा सिलेबस को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे भी उसी अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, क्या हमें पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, क्यों पहले पढ़ना है, सारा बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें जो फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू NCERT वो चैप्टर 9 होगा। वो क्या होगा? चैप्टर 9, मतलब उसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। मैंने ऐसा क्यों कहा कि इन दोनों चैप्टर को हमें पहले पढ़ना है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये चैप्टर्स जनरली 9th-10th चैप्टर है और ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं, इसे ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। और एक बार गौर कीजिएगा इसके मार्क्स पे, ये 14 मार्क्स कंटेन करता है, मतलब कि 5 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन एकदम श्योर आएगा ही। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, इस पार्ट को, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान है। ये क्लास टेंथ में बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि क्लास टेंथ का ये एक आसान टॉपिक था, और अभी जो पढ़ने वाले हैं ये भी आसानी है, लेकिन एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इसमें जो कि है हमारा वेव ऑप्टिक्स। ध्यान से इसे देखना है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम ये स्ट्रेटेजी बना के पढ़ें, क्योंकि ये हमारा दो चैप्टर में हमारा 14 मार्क्स स्कोर हो जाएगा, तो मार्क्स को देखना है, मार्क्स बहुत ज़्यादा है। और बाद में पढ़ने से क्या होता है कि बाद में हम कंप्लीट ठीक से नहीं कर पाते हैं, हमारे जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट है, हम उस पर ही फोकस करते रह जाते हैं, जिस कारण से हम इन चैप्टर्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये चैप्टर को अगर हम पहले कर लेंगे तो जब हम लगातार पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यूस एग्ज़ाम देते रहेंगे, तो हर एक बार इस चैप्टर्स का तो एग्ज़ाम देंगे ही, तो ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएंगे, तो हमें बाद में स्कोर, मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही सुविधा होगा। तो एवरेज स्टूडेंट जो है वो तो 50-55 इतने आसानी से स्कोर कर सकते हैं कि क्या बताएं, और थोड़ा अगर मेहनत कर दिए तो 60-65 अबव तो आराम से आ सकता है। बहुत ही आसान है 60-65 अबव लाना इन 70। हम 100 का बात नहीं कर रहे, हम 70 जो थ्योरी मार्क्स है 70 उसकी बात कर रहे हैं। 70 में 60-65 अबव लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिलीव कीजिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटजी हम बनाए हैं, स्ट्रेटजी बहुत आसान और बहुत ही अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी हम लोग अगर काम करें तो हम आगे मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। क्लास टेंथ में तो हम लोग पढ़े ही हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये पार्ट तो पढ़े ही हैं, वही सारा पार्ट पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है हम लोग का क्या है, हमारा कितना तरह का लेंस होता है, लेंस से हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उन सब के विषय में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, बस इतना ही है रे ऑप्टिक्स में। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, हमारा वेव ऑप्टिक्स। ये एक अलग टॉपिक होगा, इसमें हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पार्ट पढ़ेंगे और पोलराइजेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि आसान टॉपिक है। ध्यान अगर दिया जाए तो इससे आसान टॉपिक कुछ और नहीं है। ये दोनों टॉपिक को अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए तो देखिए आपको कितना मार्क्स आ जाएगा, आपको अराउंड 14 मार्क्स आ जाएगा आसानी से। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद भी हम डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद भी आसानी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो कि हमारा जो थर्ड पार्ट में हमको पढ़ना है वो क्या है, हमारा थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हम लोग थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और यही आपका सिलेबस भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका सिलेबस भी होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे वीडियोज़ में, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो आपका है यही सिलेबस है आपका, इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा तो मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। तो क्या है हमारा यहाँ पे चैप्टर 11, चैप्टर 11 में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो तो उसी चैप्टर में देखेंगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब इस चैप्टर का ये है कि किसी भी मैटर का दो नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है।
और किसी भी रेडिएशन का भी दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर बोथ, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए नाम क्या है, ड्यूअल नेचर। क्या नाम है, ड्यूअल नेचर। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम लोग वो है हमारा एटम्स। किसके बारे में बात करेंगे, एटम्स। एटम्स हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा एडवांस फॉर्म, नहीं वही है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है इसमें, ज़्यादा कम उसी मिला जुला करके है, तो उसको ध्यान, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत कम ही है, तो इससे ध्यान से, ये 3-4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये क्लास, बहुत ही आसान चैप्टर है। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लिया। न्यूक्लिया में मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा रे है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग न्यूक्लिया में पढ़ेंगे। ये भी आसान चैप्टर है, ये तीनों ही आसान चैप्टर है, और मार्क्स कितना है देखिए, 12। ये क्या है, 12 मार्क्स। ये ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारे लिए आसान है, नहीं, ये सबके लिए आसान है। एवरी स्टूडेंट्स, फॉर एवरी स्टूडेंट्स दिस चैप्टर्स आर वेरी वेरी इजी, फॉर एवरी स्टूडेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंट वंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग मी? अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इसके बाद, अभी तक आपका कितना मार्क्स कंप्लीट हो गया देखिए, तो यहाँ से 14 मार्क्स, यहाँ से 12 मार्क्स, अराउंड 28 मार्क्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब जो इसके बाद पढ़ेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। हमने ये चैप्टर अभी स्टार्ट भी किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसे मैं अभी कंप्लीट नहीं करूंगा, अभी इसको यहीं पे रहने दूंगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, जैसा सिलेबस हमने बनाया है, जो स्ट्रैटेजी है, अगर उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ डालूंगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो हम लोग को स्कोर करने में आसानी होगा। इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ये दोनों चैप्टर हो गया, इन दोनों को मिला करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। ये दोनों चैप्टर मिला के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद पढ़ना हमें, इसके बाद पढ़ना करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आसान है, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। कैसे क्लास 10th में पढ़ा है, आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, और रेजिस्टेंस क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो सारा पार्ट पढ़ा है। वही सब चीज़ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ भी इसी में पढ़ेंगे, लेकिन ओम्स लॉ का यहाँ प्रूव करेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, थोड़ा इलाबोरेट होकर के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर भी मिला जुला के थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आसान है। लेंदी चैप्टर्स को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जिस चैप्टर में हम स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं उन चैप्टर्स को पहले पढ़ लेते हैं, कम समय में हम ज़्यादा सीख लेंगे, उनका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो जा करके हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, तो ये इस स्ट्रैटेजी से चलिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। अब जो है नेक्स्ट जो पार्ट हम करने वाले हैं वो क्या है हमारा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्या है सेमी, अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 14 को डालना, क्यों, क्योंकि जो पार्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी का यूज़ हम लोग को यहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में करना पड़ता है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड रहता है सारा टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। मैक्सिमम टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो रिलेटेड रहता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही रहता है। यहाँ पे हम लोग कंडक्टर्स के विषय में पढ़ते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर्स के विषय में पढ़ते हैं, कंडक्टर्स के विषय में पढ़ते हैं, और इंसुलेटर के विषय में पढ़ते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि इन दोनों में रिलेशन है, इसीलिए इसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं। और मार्क्स देखिए 16 मार्क्स ये तीनों को मिला करके, ये तीनों मिला करके कितने हैं, ये तीनों का अगर हम बात करें तो तीनों मिला करके हैं 16 मार्क्स। कितने मार्क्स हैं, 16 मार्क्स। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है देख लीजिए, 7 मार्क्स का सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, मतलब कि टोटल कितना हो गया एक बार आप गिन लीजिए, टोटल आपका हो गया उधर 28 था, 28 और 7 35 और 16, 51 मार्क्स का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। इतना दूर अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो 51 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जा रहा है, और समय बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो चैप्टर्स थोड़ा सा लेंदी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग नहीं है, उसमें भी स्कोरिंग पार्ट रहेगा, लेकिन अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से पढ़ते गए
तो स्कोर करना बहुत आसान होगा। ये 51 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मन से पढ़ते चलिए, जो जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उसको देखते चलिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए। एकदम हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। चलिए तो हम आगे देख लेते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक तो हमने करंट पढ़ा, अब करंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके विषय में हमको पढ़ना है, तो वो इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कहने का मतलब कि कितना तरह का मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, कोई डायमैग्नेटिक होता है, कोई पैरामैग्नेटिक होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड को अपने में अट्रैक्ट करता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, उन सारे जो मटेरियल्स है सबके विषय में जो पढ़ेंगे वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और मैग्नेटिक मटेरियल्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या है हमारा मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये आसान चैप्टर है, ये याद करने वाला है, इसको याद करके आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये मतलब कि ध्यान रखने का बात नहीं है, ये सिर्फ अगर थोड़ा सा आप समझ करके पढ़ लीजिएगा चैप्टर तो ये बहुत आसानी से समझ में आता है। ये इमेजिन होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और मैं ये बता दूंगा ये भी बहुत आसान चैप्टर है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन मन से पढ़ने से ये भी आसान ही है। ठीक है, और उसके बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद क्या है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट भी आप थोड़ा मतलब तो पढ़े ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये एक नया चैप्टर होगा एकदम आपके लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक बात इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे चार चैप्टर जो आपको दिख रहा है, चार चैप्टर का मार्क्स है 17 और वहाँ सिर्फ दो चैप्टर का मार्क्स था 14, तो अंतर को आप समझ लीजिए। यहाँ का अगर बात करें, यहाँ सिर्फ दो चैप्टर का बात क्या था, 14 मार्क्स का था, दो चैप्टर था 14 मार्क्स, और यहाँ पे हमको चार चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है 17 मार्क्स, इसीलिए इनको हम लास्ट में रखें ताकि आप ये 17 मार्क्स बाद में भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 17 मार्क्स किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी एक आसान चैप्टर है, लेकिन यार ये भी, लेकिन ये दोनों चैप्टर थोड़ा सा लंबा होता है, EMI और अल्टरनेटिंग करंट, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पार्ट अगर कंप्लीट हो गया तो आप स्कोर आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्टिक्स पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो आसान पार्ट है उसको अगर हम पहले कंप्लीट करके रखेंगे तो बाद में वो स्कोर करने में हमको सुविधा होगा। अगर हम साल भर डिफिकल्ट पार्ट जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म पार्ट को हम साल भर पढ़ते ही रहते हैं लेकिन फिर भी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए उस पार्ट को पहले करना है जिसमें हम कॉन्फिडेंटली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम ऑप्टिक्स में कॉन्फिडेंटली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, हम मॉडर्न फिजिक्स जो ड्यूअल नेचर था, एटम्स था, न्यूक्लियाई था, उसमें कॉन्फिडेंटली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जिस जिस पार्ट में हम कॉन्फिडेंटली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसको पहले पढ़ेंगे, और जिसमें कॉन्फिडेंस लेट से आता है उसको बाद में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अगर वो पहले से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा तो ये सब चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आने में समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका शुरुआत में ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो बाद में आसान चैप्टर में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको हम। अब जो नेक्स्ट, इसके बाद जो लास्ट चैप्टर जो हमको पढ़ना है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बहुत आसान है, इसमें याद करना है बेसिकली क्या क्या याद करना है हम आपको बता देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमको जितना भी तरह का वेव्स होता है, माइक्रोवेव है, एक्सरे है, फिर से आपका गामा रेज है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, जितना है सबका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेना है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है इसी में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक ना। मैक्सवेल्स का इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बहुत विशेष नहीं है, लेकिन बेसिकली जितना भी यूजेज है, जितना भी वेव्स है हमारा, वेव्स का एक चार्ट रहेगा आपका, माइक्रोवेव, फिर से आपका इंफ्रारेड, फिर से एक्सरे, फिर से विजिबल रे, मैं तो लाइन से नहीं बोल रहा हूँ, इधर उधर करके बोल रहा हूँ। तो जितने भी वेव्स है सबका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को याद करना है और उनके यूजेज और सोर्सेज को भी याद करना है। इतना से तो आपका 2 से 3 नंबर तो आराम से आपका पकड़ा जाएगा इस चैप्टर से। ये तो हम एकदम छोटा सा पार्ट बताएं जिससे 2 से 3 नंबर पकड़ा जाएगा। अगर आपको 4 का 4 नंबर पकड़ना है तो पूरा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ लिए, थोड़ा सा मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन पार्ट है उससे न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं,
उतना कर लिए तो 4 में 4 आपका कहीं नहीं जा रहा है, आसानी से आप ला सकते हैं। लेकिन जो आपको इसमें याद करना है, हमें बार बार बता दे रहा हूँ, जितना भी वेव्स है सबका वेवलेंथ, सबका फ्रीक्वेंसी रेंज अच्छे से याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आसानी से आप 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रटने वाला पार्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी के साथ हमारा ये जो स्ट्रेटेजी रहा, ये टोटल हो गया हमारा अराउंड 70 मार्क्स का। इस तरीके से अगर पढ़ा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप रहेगा और आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रख सकता था, ये पार्ट को हम पहले 1, 2, 3 से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर हमारा जो ये बिल्डअप नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। कॉन्फिडेंस हमारा आएगा ऑप्टिक्स से, क्योंकि ऑप्टिक्स हम लोग 10th में पढ़े हैं, वो आसान पार्ट था, और यहाँ भी पढ़ेंगे, ये भी यहाँ भी आसान ही रहेगा। तो आसान पार्ट अगर पहले पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये तो 12th तो बहुत आसान है। जब दिमाग में एक बार बैठ जाता ना कोई भी चीज़, आपके जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की बात करें, तो अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गया कि फिजिक्स शुरुआत से आसान है, तो अब आपका सारा चैप्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आसान लगने लगेगा। अब कॉन्शियसली जब आप पढ़िएगा तो सब कुछ आपको आसान ही लगेगा, क्योंकि आपके जहन में अंदर से बैठा हुआ है कि ये चैप्टर आसान है, शुरुआत का चैप्टर ही आसान है। तो पहला चैप्टर भी हम लोग का आसान रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोनों भी आसान रहेगा, इसके बाद ये तीनों भी आसान रहेगा। जब लगातार 5 चैप्टर आप आसान देखिएगा, तो उसके बाद जो भी चैप्टर आएगा उसको आपको आसान ही लगेगा, भले थोड़ा सा लेंदी क्यों ना हो, लेकिन आपको आसान लगेगा। अब इसके साथ हमारा जो ये पार्ट है, पूरा सिलेबस के विषय में हम बात कर लिए। तो जब पूरे सिलेबस के विषय में बात कर लिए, उम्मीद करते हैं आपको ये जो स्ट्रेटेजी मैं बनाया हूँ ये आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा स्ट्रेटेजी, तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी बहुत अच्छा मौका है घर पे सेल्फ स्टडी करने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए, घर में पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी नहीं पढ़िएगा तो बाद में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये 2020 इज़ वेरी क्रूशियल ईयर फॉर एवरीवन, फॉर एवरी इंडियन, फॉर एवरी पीपल इन दिस वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मन से पढ़िए, इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए जो घर में बैठे हुए हैं, इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए। फ़ोन से तो आप पढ़ते ही हैं, तो फ़ोन को सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। जब आप फ़ोन को सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि एक लगेगा कि नहीं, मैं पॉजिटिव दिशा में काम कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में आया, कौन सा नहीं आया। इसीलिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में रे ऑप्टिक्स के साथ। थैंक यू।